31वीं राष्ट्रीय सीनियर कॉर्फबॉल प्रतियोगिता मध्य प्रदेश राज्य के LHTC विश्वविद्यालय रायसेरी भोपाल में खेली गई। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता का फाइनल मैच चिर प्रतिद्वंदी हिमाचल प्रदेश व हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों के बीच खेला गया, जिसमें हिमाचल राज्य के खिलाड़ियों ने हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों को हराकर प्रतियोगिता को अपने नाम किया। हिमाचल की टीम ने गोल्ड से हरियाणा को 12-11 गोल से पराजित किया। फाइनल मैच में हिमाचल ने पहले टॉस जीतकर शुरू से ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। 25-25 मिनट के खेल में दोनों टीमें 10-10 गोल से बराबर रही। मैच टाई होने से दोनों टीमों को 5-5 मिनट का समय दिया गया। मैच फिर 11-11 गोल से तय हुआ। इससे पहले क्वार्टर फाइनल मैच में हिमाचल प्रदेश की टीम ने उड़ीसा राज्य की हरियाणा ने मध्य प्रदेश को कांटेदार टक्कर देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पश्चिमी बंगाल ने तेलंगाना और महाराष्ट्र की टीम ने उत्तर प्रदेश को हराकर फाइनल में स्थान पक्का किया। सेमीफाइनल मैच के पहले मुकाबले में हिमाचल प्रदेश की टीम ने पश्चिमी बंगाल की टीम को 13-3 गोल से पराजित कर फाइनल में पहुंचे। दूसरा सेमीफाइनल मैच हरियाणा व महाराष्ट्र के बीच खेला गया। इस मैच में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 1 गोल के अंतर 9-8 से पराजित किया। वर्ष 2018 की राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता में विजेता रही हरियाणा व उप विजेता रही हिमाचल प्रदेश की टीम एक बार फिर से फाइनल मैच में आमने सामने हुई तो सब राज्यों के खिलाड़ियों ने ताली बजाकर स्वागत किया। 1 घंटे तक चले मुकाबले में हिमाचल प्रदेश की टीम ने 4 वर्ष बाद सीनियर राष्ट्रीय कॉर्फबॉल प्रतियोगिता पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता में हिमाचल के कप्तान विशाल शर्मा, हरियाणा के रजत को बेस्ट शूटर, हिमाचल के विनोद को बेस्ट रेफरी का इनाम दिया गया। हिमाचल प्रदेश टीम के कोच एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरकाघाट के शारीरिक शिक्षक देवदत्त शर्मा, टीम मैनेजर एवं राजकीय माध्यमिक पाठशाला खतरवाड़ के TGT आर्ट्स पवन रांगड़ा, महिला विंग सुनीता देवी, रेफरी विनोद कुमार का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी खेल प्रतिभा निखारी है। अखिल भारतीय कॉर्फबॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव DR सुमन ने बताया कि राष्ट्रीय कॉर्फबॉल प्रतियोगिता में 23 राज्यों के 530 खिलाड़ी व अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का समापन भाजपा राष्ट्रीय युवा मोर्चा कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक ने किया। इस अवसर पर कॉर्फबॉल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज चौहान, महासचिव KK वर्मा, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देव भलारिया व अन्य मौजूद रहे। PLTV के लिए बिलासपुर से सुनील ठाकुर की रिपोर्ट।